फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में चंदावली गांव के पास एक युवक का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसे जलाया गया है। युवक का शव पुलिस स्टेशन से मात्र 500 मीटर दूरी पर मिला है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ IMT में हम पे चार बजे से फोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका तो बिना करें कि ये तो सुसाइड है, कोई भी कुछ भी कोई FIR वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से जानते हैं उसके अनुसार कार्रवाई करें। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है। आत्महत्या मारा है उसका पता किस काम सीधा मैनेजर सीधा जॉब पे जावा उसका GT रोड से NTPC चौक पे उसकी स्वराज मजदा में वे काम करता है और डेड बॉडी है सोते ही के हैं जंगलों में मिल रही है हाई गाड़ी मिल रही है और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के और जूते कमीज पैंट सब गाड़ी में मिले टॉर्चर करके मार के और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम सोनू भाटी बताया जा रहा है, जो एक निजी कंपनी में काम करता था। वारदात के दिन भी वो अपनी गाड़ी से काम के लिए ही घर से निकला था, लेकिन दोपहर को परिजनों को सोनू का शव मिलने की सूचना मिलती है। सोनू की अधजली लाश देखकर परिजन सदमे में हैं। उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हत्या को आत्महत्या बता रही है। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हम गोपाल भाटी है, गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो, जो सीधा मर्डर है। आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा उसे ये लगेगा कि मर्डर है, और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। FIR कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना आए थे। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है, पहले FIR करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं वहाँ BK हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसेडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल FIR कर दें हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें, कल का मैटर कल देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है, हाँ अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, BK चल रही है। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा और आगे परिजनों के कहे अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें कल ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पर पहुंचे, ग्वाला वालन बताया था कि जली अवस्था में नंगन अवस्था में वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जाँच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद नतीजा हुआ है कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाई है जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।